नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। वो कीड़ा जिसकी वजह से लोगों ने पत्ता गोभी खाना कर दिया बंद। आपने भी सुना होगा पत्ता गोभी में कीड़ा होता है, वो दिमाग में घुस जाता है। इसी डर से हजारों या उससे भी ज्यादा लोग पत्ता गोभी खाना छोड़ चुके हैं। तो जानिए क्या है वो कीड़ा, दिमाग में कैसे घुस जाता है। पत्ता गोभी को इंग्लिश में कैबेज कहते हैं, फूल गोभी को कॉलीफ्लावर कहते हैं, लेकिन पत्ता गोभी और फूल गोभी एक ही प्रजाति की सब्जी से बनते हैं। पत्ता गोभी में निकलने वाले कीड़े को टैपवर्म यानी फीता कर्मी कहा जाता है। कीड़ा टैपवर्म आंतों में जाने के बाद ब्लड फ्लो के साथ शरीर के अन्य हिस्सों और मस्तिष्क में पहुंच सकता है। ये बहुत छोटा होता है, हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। ये सब्जी उबलने पर पकने पर मर सकता है। ये कीड़ा जानवरों के मल में भी पाया जाता है। टैपवर्म बारिश के पानी या किसी भी वजह से जमीन में पहुंचता है, कच्ची सब्जियों के जरिए फिर हम तक पहुंच सकता है। पेट में पहुंचने के बाद ये कीड़ा सबसे पहले आंतों, फिर ब्लड फ्लो के जरिए नसों तक भी पहुंच सकता है। इसका लार्वा दिमाग को गंभीर चोट दे सकता है। टेपवर्म से होने वाला इन्फेक्शन टेनियासिस कहलाता है। शरीर में जाने के बाद ये कीड़ा अंडे देता है, जिससे शरीर में जख्म बनने लगते हैं। इस कीड़े की 3 प्रजातियां होती हैं, टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सोलियम और टीनिया एशियाटिका। ये लीवर में पहुंचकर सिस्ट बनाता है, जिससे पस पड़ जाती है। ये आंखों में भी आ सकता है। ये कीड़े हमारे पेट के आहार को अपना भोजन बनाते हैं। व्यक्ति के दिमाग में पहुंचने पर दौरे पड़ने लगते हैं। शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन सिर, थकान, विटामिन्स की कमी होना इसके लक्षण है। दिमाग में अंडों का प्रेशर इस कदर बढ़ता है कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहा जाता है कि दिमाग में कोई बाहरी चीज आ जाए तो दिमाग का अंदरूनी संतुलन बिगड़ सकता है। इस टेपवर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर वे दवाई दी जाती है, जिससे ये मर जाए, फिर सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इस कीड़े से बचने के लिए डॉक्टर्स का कहना है कि जिन चीजों में ये कीड़ा पाया जाता है, वे अधपकी खाने से टेपवर्म पेट में पहुंचते हैं। भारत में टेपवर्म का संक्रमण सामान्य है। यहाँ करीब 12 लाख लोग न्यूरोसिस्टेसेरोसिस से पीड़ित हैं। मिर्गी के दौरों की खास वजहों में से एक बीमारी है। इस कीड़े की 5000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में टेपवर्म से होने वाली परेशानी 20 से 25 साल पहले आई। तब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग सर में तेज दर्द की शिकायत के साथ हॉस्पिटल पहुंचे। उन्हें मिर्गी की तरह दौरे पड़ रहे थे। इसीलिए बहुत सी जगहों में पत्ता गोभी की जगह अब लोग लेटस लीव्स का इस्तेमाल करते हैं। इस कीड़े पर लार्वा पालक, मछली, पोर्क या बीफ में पाया जाता है। इन चीजों को भी अच्छी तरह पकाकर खाना चाहिए। एशियाई देशों की तुलना में यूरोपीय देशों में इसका खतरा काफी कम देखा जाता है। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें।